हे गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी मैं अपने गांव आया हूं गोरखपुर, और जो लोग भी गोरखपुर या उसके आसपास से बिलोंग करते हैं उन लोगों को मालूम रहेगा लेहड़ा मंदिर के बारे में। तो आज मैं लेहड़ा मंदिर विज़िट करने वाला हूँ और आप लोगों के लिए वहाँ का एक स्वीट एंड सिंपल छोटा सा व्लॉग रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रहा हूँ। और अगर अच्छा बना और ये व्लॉग अपलोड हो गया तो इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन तो आप लोगों के लिए खुला ही है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से सामने की तरफ, ये जहाँ ईंटें बनती हैं वो एरिया है, और इसको यहाँ पे गांव में भट्टा बोला जाता है। अगर आप लोग जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग तो ज़रूरी पहचानते होंगे। और यहाँ पे ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एकदम मस्त व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलता है सुबह सुबह। यहाँ भी मैं बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, तो रास्ते में जो भी अगर हम लोग कहीं पर रुकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं आपको ज़रूर व्लॉग में रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। हे गाइस, अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ के जो रोड्स हैं आपको काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन नज़र आ रहे होंगे। आई मीन मैं मुंबई से, और मुझे मुंबई से बेटर जो है यहाँ के रोड्स वेल मेंटेन लगे। तो गाइस, मंदिर की तरफ जाते हुए आपको ये ब्यूटीफुल सा सीनिक रूट देखने को मिलता है, और दोनों तरफ जंगल आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो जंगल है वो पूरा गवर्नमेंट के अंडर आता है। और जो रोड्स देखिए एकदम वेल मेंटेन है, आपको कुछ भी ड्राइविंग राइडिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस रोड पर एक और इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगा कि आपको मंकीज ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बंदर बहुत हैं और ये काइंड ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ का। जब भी जितने लोग भी मंदिर को आते जाते हैं, लोग रहते हैं यहाँ पर, प्रसाद जो है बंदरों को खिलाते रास्ते में रुके, तो काफ़ी अच्छा है ये रूट। ये जो आपको गेट देखने को मिल रहा है, यहाँ से ही मंदिर का जो प्रीमाइसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इस गेट के अंदर ही जैसे थोड़ा सा थोड़ी दूर एंटर करेंगे, आपको जो मेन मंदिर है लेहड़ा देवी मंदिर, वो यहीं से आपको ये जो दिख रहा है यही वो मेन मंदिर है, आपको दूर से ही देखने को मिल जाता है। और जैसा कि आप एक स्ट्रेट देख रहे हो, आपको एक दूसरा वे भी है इस मंदिर की तरफ आने के लिए। ये जो स्ट्रेट आप देख रहे हो, एक इस रास्ते से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। और ये जो सामने गेट दिख रहा है ये मेन प्रमाइसेस है यहाँ मंदिर का। आप जैसे यहाँ पर एंटर करोगे तो यहीं से जो दुकान वाले हैं आपको मतलब बोलेंगे कि यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हो, ऐसे सामान ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जितना अगर आपको पॉसिबल है अंदर ले जा सकते हो आपकी गाड़ी के साथ हो तो उतना अंदर जाओ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आसपास में आपको थोड़ी भी भीड़ जो है ज़्यादा मतलब देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आप नवरात्रि के सीज़न में यहाँ पे आते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइन, काफ़ी घंटों लाइन में लगना पड़ सकता है दर्शन के लिए। तो मेरा सजेशन तो आपको यही रहेगा तो अगर कि आप अगर यहाँ पर कभी भी आते हो तो ऑफ सीज़न में आओ दर्शन के लिए, आपको बहुत ही जल्दी दर्शन मिलेगा और भीड़ भी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। ओके, अभी जो आप ये एरिया देख रहे हो ये मंदिर के पीछे का एरिया है, और मुझे जितना मालूम है तो ये जो देवी माँ है यहाँ पे ही पीछे एक नाव में प्रकट हुई थी, ऐसा मैंने स्टोरी सुन रखा है। तो अगर आप लोग में से किसी को भी इसकी रियल स्टोरी पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और ये अगर मेरी स्टोरी करेक्ट है या नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो आप।
ओके, तो एक और इंटरेस्टिंग बात इस मंदिर के बारे में ये है कि यहाँ पे एक काइंड ऑफ ट्रेडिशन जैसा है कि जब भी कोई यहाँ पे नई गाड़ी लेता है तो सबसे पहले इस मंदिर में आता है उसकी पूजा करने और दर्शन करने के लिए। तो गाइस दर्शन हम लोगों के हो चुके हैं अभी, और ये जो है मंदिर का मेन एंट्रेंस है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, पहले ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये पूरा शेडिंग, ये सब कुछ भी नहीं था, पूरा ये ओपन स्पेस था और आसपास की दुकानें जहाँ से सारे लोग आके शॉपिंग कर सकते हैं। बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है यहाँ पे। ये कुछ ऊपर शेल्टर लगा दिया ताकि धूप में भी जो भी लोग आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए उन लोगों को भी कन्वीनियंट हो। और जैसे कि मैंने आपको इसके साइड्स के भी यहाँ पे दिखाया है सीन्स, तो ये पूरा ऐसा एक चक्कर मार के यहाँ पे आना पड़ता है। खासकर नवरात्रि के सीज़न में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ये जो मंदिर है पूरे गोरखपुर जो है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जितने लोग भी हैं आई एम श्योर सब के सब लोग पहचानते होंगे। तो बस ये ज़्यादा कुछ है ना यहाँ पे और आपको दिखाने के लिए, ये यहाँ पे दुकानें आसपास में, और ये मंदिर जैसे कि मैंने कहा बहुत फेमस है। बस हम लोग का भी हो गया दर्शन, तो हम लोग थोड़ी देर में बस यहाँ से नाश्ता करके और निकलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्वीट एंड सिंपल सा जो व्लॉग था आपको ज़्यादा बड़ा दिखाने, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ आपको मैं दिखा पाता इस व्लॉग के ज़रिए। तो यही था जो भी था। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है, अगर आप लोगों को ये व्लॉग, तो लाइक कर दीजिए इस व्लॉग को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं आसपास के हैं तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो। तो गाइस बताइए आप लोगों के व्लॉग कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी किसी और ऐसे व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।